दारू और ना ही चाहते हो कि आपको हो नुकसान आपके स्टमक को। लिवर तो खराब होगा ही भाई साहब, अगर आप 1 घंटे में एक ड्रिंक से ज्यादा लोगे तो आपको नशा चढ़ जाएगा, और 1 दिन में 2 ड्रिंक से ज्यादा लोगे तो लिवर खराब होगा कुछ सालों में। कुछ सालों में डिपेंड करता है आप कितनी पी रहे हो, कितनी क्वालिटी के पी रहे हो, अच्छी बुरी खराब। लेकिन अगर पी रहे हो तो स्टमक को बचाइए। स्टमक को बचाने का फॉर्मूला ऐसा है कि आप पीने से पहले 1 गिलास पानी पियोगे और थोड़ा बहुत चखना जो आप कहते हो कुछ खा लोगे। कुछ खाओगे चाहे पेट भर के खा लो या खाओगे, और फिर पियोगे 1 ड्रिंक के बाद 1 गिलास पानी पियोगे और फिर कुछ खाओगे, दूसरे ड्रिंक के बाद 1 गिलास पानी पियोगे और फिर कुछ खाओगे, और फिर दी एंड, उससे ज्यादा नहीं पियोगे। 2 पैग से ज्यादा नहीं पियेंगे। 1 पैग का साइज आपका लिमिटेड होगा 30 ml। 30 ml अगर आपकी जो विस्की रम वोडका में 50% अल्कोहल है, अगर आपकी विस्की वोडका रम में 40% अल्कोहल है तो 45 ml का 1 पैग पी सकते हो। लो जी, छूट मिल गई आपको, खुश रहो। बताइए, 45 45, 90 ml, 90 ml में तो काम हो जाना चाहिए आपका, मगर पीने का तरीका ये है, 1 दिन में 90 ml से ज्यादा मत पीजिएगा। और अगर आप बियर पीते हैं तो 350 ml की एक बियर का पैग होता है, 2 बियर पी सकते हैं आप, 2 पैग बियर 1 दिन में। बिल्कुल ऐसे ही, एक पियो फिर खाना फिर पानी, फिर एक पियो फिर खाना फिर पानी। दैट्स हाउ यू डू इट। एंड यू हैव टू टेक अ बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन सप्लीमेंट डेली डेली डेली। यू हैव टू टेक बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन जिसमें B1 हो, B12 हो, बहुत जरूरी थायमिन एंड बहुत जरूरी B12 आपके लिए। पानी खूब पीना है, डायूरेसिस होगा बचाना होगा, कम से कम 4 लीटर पानी पूरे दिन में पीना होगा। ध्यान रखिए आपको फाइबर खूब लेना होगा स्टमक को बचाने के लिए। ध्यान रखिए स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट, ध्यान रखिए ज्यादा चबा के खाना खाना, ध्यान रखिए अच्छी खासी नींद, और 8 से 12 घंटे की नींद लेनी होगी आपको। जी हाँ, 8 से 12 घंटे दारू पीने वालों के लिए बिल्कुल, 6 घंटे 7 घंटे नहीं चलेगा। नो चालवे ए ना चालवे, भैया बचाना है खुद को तो फिर सुन लो, नहीं फॉलो करना मत करो, जबरदस्ती थोड़ी है। ओके और हर साल 2 साल में एक बार अपना लिवर फंक्शन जरूर चेक करवाना है, क्योंकि ये सब प्रिकॉशन कर लेने से कोई गारंटी नहीं होती कि आप बचे रहोगे, क्योंकि आजकल दारू पीते हैं उसकी भी गारंटी नहीं क्वालिटी की, तो कहां से गारंटी देंगे हम प्रिवेंशन टेक्निक की। इससे चांसेस बढ़ जाते हैं आपके, चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप बचोगे, पर बचोगे ये गारंटी नहीं है। इसीलिए खुद का चेकअप जरूर कराएं खुद के बच्चों के लिए।